तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली बहुत ही ज्यादा ऑसम। तो गाइस, वीडियो रहने वाली हमारी एक्टिवा 125 पे। आपको पता ही होगा मार्केट में एक्टिवा 125 आ चुकी है, BS6 इंजन के साथ आ रही है। अब मैं पहले ही बता दूं, BS6 इंजन क्या होता है। ये नई पहली कोई स्कूटी आ रही है जो BS6 के साथ लॉन्च हो रही है। अब BS6 इंजन आप सीधा सीधा समझ लो, इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और इसमें काफी फीचर्स हैं जो आपके हेल्प करेंगे एवरेज के लिए। और ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रही है। सीधा सीधा मैं इसको बताने बैठूंगा तो काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आप सीधा सीधा समझ जाओ, ये जो फ्यूल इंजेक्शन होता है, कार्बोरेटर इंजन होता है जो एक्टिवा का, वो पॉल्यूशन करता था, लेकिन इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। सीधा सीधा समझा लो। बाकी आपको अगर इस पे पूरी वीडियो चाहिए फ्यूल इंजेक्शन इंजन क्या होता है तो मैं बना दूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा कि आप प्यार कर बैठोगे कि यार ये एक्टिवा 125 काफी किलर होने वाली है। ये 3 पॉइंट्स मेरे को पर्सनली काफी अच्छे लगे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, पहला पॉइंट मैं रखता हूँ इसका मीटर। गाइस, इसका जो मीटर रहने वाला है काफी ज्यादा ऑसम रहने वाला है। मीटर मैंने खुद देखा है, इसका मीटर आपको 125 जो पहले आती थी वैसे ही रहने वाला है, लेकिन थोड़ा एनालॉग चेंज करा गया है। इसमें स्पीडोमीटर वगैरह चेंज करा गया है, इसमें डिजिटल है, मतलब इसमें एवरेज आपको शो होगी। और एवरेज के साथ साथ आपको एक चीज इसमें क्या शो होने वाली है कि कितनी चलेगी। हाँ गाइस, सही सुना, आप जब पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको पता होता है मेरी अंदाजे से कि इतनी चल जाएगी इतने पेट्रोल में, लेकिन ये आपको पूरा कैलकुलेट करके बताएगा कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 100 रुपए के पेट्रोल में 4 किलोमीटर चलेगी, ये पूरा बताएगा। तो ये फीचर मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा इसके मीटर में। अब इसके मीटर में अगर मैं एक और फीचर बता दूं, साइड स्टैंड का इसका फीचर आएगा। अगर आपकी एक्टिवा 125 में साइड स्टैंड लगा होगा तो ये स्टार्ट नहीं होगी ना चलेगी, तो ये भी काफी अच्छा फीचर रहने वाला है। बाकी आपको एवरेज वगैरह, इकोनॉमी वगैरह भी नया फीचर्स में ऐड हो रहे हैं मीटर में, तो इसका मीटर काफी ज्यादा एडवांस बना दिया है, इसलिए मेरे को इसका मीटर काफी ज्यादा पसंद आया। तो गाइस, सेकंड पॉइंट रखेंगे फीचर्स। इसके फीचर्स काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। थोड़े बहुत इसमें फीचर्स मैं बता दूं तो चेंज करे गए। अब इसमें साइड स्टैंड वाला मैंने बताया, इसके पीछे पेट्रोल का टैंक आएगा, मतलब अब आपको पेट्रोल टैंक के लिए उतरना नहीं पड़ेगा। काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी हमें एक्टिवा में ये चीज को लेके, लेकिन इन्होंने सॉल्व कर दिया। अब आप सीधा डायरेक्ट पीछे से पेट्रोल भरवा सकते हैं बिना उतरे सीट से। और इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं, इसमें इंजन स्टार्ट और ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपने होंडा की बाइक वगैरह में दिखा होगा ग्लैमर वगैरह, तो उसमें भी ये बटन मिल जाता है, तो इसमें भी ये सेम बटन दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ इसमें शार्प फीचर्स हो गए, जस्ट लाइक इसकी लुक तो चेंज नहीं करी है, लेकिन हाँ इसकी जो बैक लाइट है, फ्रंट लाइट है, काफी ज्यादा शार्प कर दी है। और इसके फ्रंट लाइट में LED मिलेगी जो आपको पहले भी मिलती थी, एंड साथ ही साथ इसकी थोड़ी डिग्गी में स्पेस भी ज्यादा कर दी गई है। तो ये जब छोटे छोटे फीचर गाड़ी को काफी ज्यादा प्यारा बना देते हैं, और पर्सनली इसमें काफी ज्यादा फीचर्स अपडेट करे गए हैं। जस्ट लाइक अगर ये कोई मेरे पास आते हैं रिव्यू में तो मैं आपको फीचर बता सकता हूँ। सुनने में आ रहा है इसमें 26 फीचर्स अपडेट करे गए हैं पुरानी वाली एक्टिवा। 26 फीचर्स बहुत होते हैं, मैं तो आपको सिर्फ 4-5 बताया जो मेरे को अच्छे लगे। काफी और है, वो मैं आपको अगर मेरे पास आएगी रिव्यू के लिए तो मैं उसमें बताऊंगा। तो गाइस, तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। तीसरा पॉइंट रहने वाला है हमारी माइलेज। तो गाइस, माइलेज में अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये माइलेज क्यों अच्छी रहने वाली है, इसकी पुराने से देखो। पुराने में यूज होता था कार्बोरेटर, इसमें हो रहा है फ्यूल इंजेक्शन। अब फ्यूल इंजेक्शन हमेशा कार्बोरेटर इंजन से ज्यादा एवरेज निकाल के देता है, क्योंकि इसमें आपको फीचर दिया गया। तो गाइस, जब आप स्कूटी चलाओगे, जैसे ट्रैफिक में हो गए या फिर भीड़ भड़के वाले एरिया में हो गए, तो ये स्कूटी अपने एनालाइज कर लेगी कि यार स्कूटी चल नहीं रही है, और ये अपने इंजन ऑफ कर देगी। और आप जैसे रेस दोगे, ब्रेक दबाओगे, तो स्कूटी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें पोल्यूशन भी नहीं होगा, फ्यूल भी आपका बचेगा, तो यार ये तो काफी अच्छा फीचर रहने वाला है। तो गाइस, इसमें मीटर के अंदर आपको इको का लाइट मिल जाएगी। जब आप नॉर्मली चला रहे होगे तो इसमें एवरेज आएगी, क्योंकि इको की लाइट आ रही है। अगर इको की लाइट नहीं आ रही तो मतलब आप तेज चला रहे हो और उसमें एवरेज नहीं आएगी। तो पक्का डेफिनेटली फ्यूल इंजेक्शन के साथ इसकी एवरेज तो डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है। अगर एवरेज दे रहे तो उन्होंने 10-15 हजार स्कूटी में बढ़ाया, मेरे ख्याल से 65-70,000 के बीच में रहेगी। और ये प्राइस अभी कंपनी ने कंफर्म नहीं करा, तो ये भी माइंड में रखना। तो गाइस, ये वीडियो यही एंड कर रहा हूँ। आप बताना ये 3 पॉइंट्स आपको कैसे लगे, मेरे को तो काफी अच्छे लगे। अगर आपको भी अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।